ऑल माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? पूरी उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों पर एकदम मज़े से होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम डेकोर हॉल। रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं एंड आई रियली थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली हैं हमारी डेली लाइफ में, मेरे लिए, इवन आप सभी के लिए। तो शेयर करना डेफिनेटली बनता है। ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने अमेजोन से लिए हैं और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा। इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोस या फिर रिव्यू वीडियोस आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली को और भी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अब बिना ज़्यादा और बात किए हुए चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का हॉल पिटारा चेक करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो है एक ब्यूटीफुल सी बेडशीट। डबल बेडशीट है कुछ इस तरीके से और ये अमेज़ॉन के खुद के इन हाउस ब्रांड सोलिमो की है। अगर आप लोग जानते होंगे तो सोलिमो जो है 100% कॉटन बेडशीट बनाते हैं और बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी होती है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसके पिलो कवर्स आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके के दो पिलो कवर्स मिल जाते हैं इसमें। मैंने कुछ इस तरीके की बेडशीट ली है और गाइस, मैं पहले भी दो तीन बेडशीट्स जो हैं पीछे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ भी करी हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी वैरायटी कलर पसंद आता है सोलिमो ब्रांड का, तो आप डेफिनेटली उसको परचेज़ कर सकते हो। आफ्टर वॉश भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने बेडशीट ली है उसमें आपको पिलो कवर्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है इसके पिलो की। ग्रीन कलर का इसका पिलो कवर है, इंग्लिश ग्रीन कलर है, जिसमें आपको इस तरीके की स्ट्राइप्स मिल जाती हैं, पिंक, येलो एंड ब्लू कलर की, और साथ में रेड कलर भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है इसका, जिसे आपको इस तरीके से इसमें एक फ्लैप मिल जाता है पिलो को कवर करने के लिए। और इसकी भी जो लेंथ है पीछे से फ्लैप की वो भी अच्छी खासी है, अच्छे से आप पिलो को इसमें सिक्योर कर सकते हो। इस बेडशीट की और पिलो की जो भी लेंथ वगैरह है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन में कहीं मेंशन कर दूंगी। और हाँ गाइज, इस बेडशीट का जो MRP है वो है 1499 और आफ्टर डिस्काउंट हमको ये 799 रुपीज़ की मिल जाती है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे है। तो कुछ इस तरीके से ये दो पिलो कवर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। पिलो कवर्स भी जो हैं वो 100% कॉटन के हैं। अब देखते हैं हम बेडशीट। तो बेडशीट जो मैंने अब की बार ली है वो कुछ इस तरीके से मल्टी कलर की है। ये देखिए, वाइट बेस है इसका और इसमें आपको ये बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट्स मिल जाते हैं मल्टी कलर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं मुझे। और इस पैटर्न में आपको दो तीन कलर शेड्स और मिल जाते हैं। एक आई थिंक इसमें पिंक कलर है, ऑरेंज कलर आपको मिल जाता है और आई थिंक एक डार्क ब्लू कलर है। तो आप कलर्स को भी चेक कर सकते हो। अगर आप कोई और पैटर्न लेना चाहते हो तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये बेडशीट है। किंग साइज़ बेड अगर आपका है तो उसमें भी ये इजीली आ जाएगी। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो थ्रू आउट जो है बेडशीट में आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है गाइज इस तरीके की बेडशीट, अगर आप अपने बेडरूम पे लगाते हो एक वाइब्रेंट से, यू नो, इसमें वाइब्रेंट है बट सटल भी है, ऐसे कलर्स इसमें यूज़ किए हुए हैं कि कमरे को एकदम से ही, यू नो, एक डिफरेंट लुक दे देता है। ब्राइट ब्राइट सा आपका कमरा लगने लग जाता है और ब्यूटीफुल भी लगता है। तो विदाउट एनी डाउट अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप इसको भी ले सकते हो। इस बेडशीट को आप मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश भी कर सकते हो, जैसे मर्जी इसको आप धो सकते हो। ना तो इसके कोई कलर निकलते हैं, ना ही ये बेडशीट श्रिंक होती है। मैं पर्सनली इसकी 3-4 बेडशीट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और इस बार जो मैंने इसका प्रिंट मंगाया है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये बेडशीट आपको 12 महीने सेल पे मिल जाती है, कभी 699 की, कभी 799 की। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आपका जैसा टेस्ट है, कलर आप पसंद करते हो, आप वैसी बेडशीट्स ले सकते हैं। गाइज, वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ इस तरीके का है, अभी तो आपको ये पता नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, बट खोल के दिखाऊंगी कि एक्चुअली में है क्या। ये मैंने लिया है होम सेंटर ब्रांड से और होम सेंटर जो है आपको इनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनके प्रोडक्ट्स की भी, और होम सेंटर में आपको चाहे डिस्काउंट मिले या ना मिले, पर उनके जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में होते हैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें, अमेज़ॉन में होने की वजह से। तो ये जो है एक स्टोरेज बॉक्स कम स्टूल है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2499, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ गया है 1499 का, विच इज़ अ स्टील डील, क्योंकि इसकी जो यूसेज है उसके हिसाब से अगर हमें इसको 1400 भी देने पड़ रहे हैं तो जेन्युइनली वर्थ है।
अब देखते हैं, तो इसमें हमको तीन चीज़ें मिल जाती हैं। एक है इसका ये कंटेनर जो कि कुछ इस तरीके से आता है, ये देखिए इस तरीके से इसका क्लोजर है और खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, पूरा बॉक्स शेप का बन जाता है, स्क्वायर बॉक्स है इसकी, ये देखिए। नीचे से आपको इसमें कुछ ऐसा क्लॉथ मटेरियल मिल जाता है और ये कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर इसके क्लॉथ को सिक्योर करने के लिए हमको कुछ इस तरीके की एक प्लेट मिल जाती है, तो इस प्लेट को हम इसके अंदर जो है इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमने इस प्लेट को सिक्योर कर लिया है, तो इसका बेस जो है वो अच्छा हो चुका है। और साथ में आपको मिल जाती है इसकी एक लिड जो कि कुछ इस तरीके से है। इसका जो मटेरियल है वो है लेदरेट, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करा है इन्होंने, और ये बंद करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये देखिए। काफ़ी सारा सामान आप इसमें स्टोर कर सकते हो अपना, चाहे तो ऊपर से स्टोर करने के बाद आप कुछ डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप इस पर बैठ भी सकते हो, और बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ पे भी आपको चाहो आप अपनी यूसेज के हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हो। हाईली रिकमेंडेड गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। प्योर लेदरेट मटेरियल इसमें यूज़ किया है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छी यू नो कंडीशन में मुझे रिसीव हुआ था ये। एंड सीरियसली गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो सेवर है। अगर आप के पास स्टोरेज की कमी है घर पे, आप इन तरीके की चीज़ों में, ऐसी स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ इस तरीके से पिजन का मिनी हैंडी चॉपर है। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है आई थिंक वो है 495 रुपीज़, और आफ्टर डिस्काउंट गैस बोर्ड ये जस्ट 229 रुपीज़ का मुझे पड़ गया है। और इसको लेने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि गाइस, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ जो प्याज आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मिर्ची वाला है, आँखों से पानी तो छोड़ो, मतलब जब चॉप करने बैठो तो आँखें लाल ही हो जाती हैं। तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ एक हैंडी सा चाहिए था जिसमें से कि मैं प्याज को, वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को मैं अच्छे से चॉप कर पाऊँ विदाउट एनी हैसल। तो मैंने कुछ इस तरीके का ये पिजन का मिनी चॉपर लिया है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ। इसकी आउटर पैकेजिंग भी थी, बॉक्स में आया था, और कुछ इस तरीके से इसका ये बॉक्स है अंदर से, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और हैंडी है ये। इसमें आपको इस तरीके का एक ब्लेड मिल जाता है, ये देखिए, जिसको हम इसमें अंदर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इसका लिड है ऊपर से जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एंड ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है, ये देखिए। यहाँ पे हमको एक ये हैंडल मिल जाता है, तो हम जब हैंडल को पुश करते हैं तो आप देखो अंदर ये ब्लेड जो है मूव करता है, और बहुत ही इजीली आपके जो अनियन है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी आप छोटे छोटे चॉप करना चाहते हो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर चॉप हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और हैंडी है ये, देखो आप इसको कहीं पे भी प्लेस करोगे ना तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं खाएगा, ज़्यादा जगह नहीं लेगा, मेरे कहने का मतलब है। और बहुत ही अच्छा आइटम लगा मुझे ये, तो आज से मैं डेफिनेटली प्याज जो है इसी में चॉप करने वाली हूँ, और अपनी आँखों को तो डेफिनेटली बचाने वाली हूँ। इसमें आपको ये कि प्लास्टिक का हैंडल मिल जाता है, साथ में ये थ्रेड मिल जाता है, और अंदर से ये कुछ ऐसा है। मटेरियल इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्राइस तो बहुत ही अच्छा है 229 रुपीज़ में। आई थिंक आपको कुछ इस तरीके की चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर वन, अफोर्डेबल है और टाइम सेवर है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेता है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को चॉप करने से, साथ साथ आपका ना तो हाथ कटेगा और ना ही आंखों से और ज़्यादा। जो मैंने लिया है वो एक होम डेकोर आइटम है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ, और ये काफ़ी सारे लोगों के पास मैंने देखा है, तो आई जस्ट थॉट कि एक बार ले कर देखते हैं कि कैसा लगता है। कुछ इस तरीके से ये बर्ड केज है, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 1999, और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे अमेजोन में 279 का पड़ गया, विच आई थिंक इज़ अ गुड डील। 279 में तो अच्छा प्रोडक्ट है, बट डेफिनेटली मैं 1900 तो इसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करती। तो ये कुछ इस तरीके से हमको केज मिल जाता है, जिसके बीच में हमको ये एक कैंडल मिल जाती है इस तरीके से, और ये यहाँ से ओपन भी हो जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड,
ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। इसको आप अपने बेडरूम में साइड टेबल पे रख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस लगता है सजाने के लिए। इवनली आप इसको अपने सेंटर टेबल पे या फिर ड्राइंग रूम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। वॉल शेल्फ अगर है आपकी वहाँ लगा सकते हो, गार्डन्स में इसको हैंग कर सकते हो पेड़ों पर, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। तो आप कुछ इस तरीके का क्लासिक पीस ले सकते हो। इसकी भी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी और ड्यूरेबल लगी। ये देखिए बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है दबाने के बाद भी, और ये जो है कुछ इस तरीके से हैंग हो जाता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब लाइट जलती है, बहुत सुंदर लगता है। गाइस ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं, इन सभी में 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी इशू होता है तो आप विद इन 10 डेज़ उसको रिप्लेस या फिर एक्सचेंज करवा सकते हो। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद भी आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा। तब तक अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। सी या।